बिलासपुर चला करती थी, अब वो इंदौर तक भी जाने लगी है। इस समय हम मौजूद हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है और अभी इसे 3:20 पे रवाना किया जाएगा इंदौर के लिए। इसके 3 स्टॉप्स हैं जो है इटारसी, बैतूल, भोपाल। सर बताइए वंदे भारत का एक्सपीरियंस और आपको क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है इसको? इसको चलाने के लिए पहले हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया है और ट्रेनिंग सेंटर में पूरे 6 दिन पढ़ाने के बाद प्रॉपर हम लोगों को हैंडलिंग दी गई है और हैंडलिंग देने के बाद फिर सेक्शन में भेजा गया है गाड़ी चलाने के लिए। सर ये वंदे भारत ट्रेन अभी कहाँ से आई है? ये भोपाल से आई है, वैसे इंदौर से आई है, हम इसको भोपाल से लेके आए। सर ये क्या स्पीड पे चलने वाली है अभी नागपुर से इंदौर तक? ये अभी 130 से मैक्सिमम 130। अभी भोपाल तक 2 स्टॉपेज हैं, बैतूल और इटारसी, उसके बाद भोपाल रुकेगी और भोपाल से इंदौर डायरेक्ट। जी, जो मध्य प्रदेश की पहली चली थी वंदे भारत रानी कमलापति से नई दिल्ली, उसमें मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला और उसका मैंने ही इनॉग्रेशन किया। एल कुशराम, स्टेशन डायरेक्टर, नागपुर सेंट्रल रेलवे। सर वंदे भारत जैसे नागपुर से इंदौर अभी स्टार्ट होने वाली है जी, कल से चालू हो गई। अच्छा, आज ग्रीन फ्लैग दिखा। हाँ जी जी जी। तो सर यहाँ ऐसे कौन से स्टेशन है जहाँ ये स्टॉप लेने वाली है? यहाँ से बैतूल, इटारसी, भोपाल, उज्जैन के बाद इंदौर। सर नागपुर से कितने बजे से ये निकलेगी और कब पहुँचेगी? नागपुर से 15:20 हाँ डिपार्चर और उधर से आती है 14:30, 2:30 बजे आती है और 3:20 को जाती है। जी आइए बात करते हैं कि आखिर क्या स्पीड पे ट्रेन चलती है और कहाँ कहाँ स्टॉप ये लेने वाली है। ये अभी नागपुर से डायरेक्ट इटारसी है, इटारसी में भी पब्लिक हॉल्ट नहीं है, रेलवे हॉल्ट है इटारसी में, उसके बाद आपका भोपाल है नेक्स्ट स्टॉप है, 130 है। अभी फिलहाल ये इंदौर से भोपाल था, भोपाल से अभी नागपुर एक्सटेंड किया, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ओनली सिटिंग चेयर कार है तो रेलवे का एक लिमिट है, उतना दूर से पब्लिक को अपन ज़्यादा बैठ के ले जा नहीं पाएंगे इसलिए आप। सर क्या क्या टाइमिंग पे नागपुर से ट्रेन निकलेगी? अभी 15:20 को निकलेगा यहाँ से, 15:20 और इंदौर कहाँ कब कितने बजे पहुँचे? इंदौर 23:15 कुछ है। ये अभी नागपुर से डायरेक्ट इटारसी है, इटारसी में भी पब्लिक हॉल्ट नहीं है, रेलवे हॉल्ट है इटारसी में, उसके बाद आपका भोपाल है नेक्स्ट स्टॉप है। क्या स्पीड पे गाड़ी चल रही है? 130 है। 130 और सर और कहाँ कहाँ ये ट्रेन एक्सटेंड होने वाली है? जैसे अभी तक तो इंदौर और भोपाल ही थी, अभी फिलहाल ये इंदौर से भोपाल था, भोपाल से अभी नागपुर एक्सटेंड किया, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ओनली सिटिंग चेयर कार है तो रेलवे का एक लिमिट है, उतना दूर से पब्लिक को अपन ज़्यादा बैठ के ले जा नहीं पाएंगे इसलिए आप। सर क्या क्या टाइमिंग पे नागपुर से ट्रेन निकलेगी? अभी 15:20 को निकलेगा यहाँ से, 15:20 और इंदौर कहाँ कब कितने बजे पहुँचे? इंदौर 23:15 कुछ है एग्जैक्ट टाइमिंग में देखें। हेलो, मेजर घाट सेक्शन है, मरम जा रही है, इधर 65 है चिचंडा टू अपना तीगाँव, धारा को टू मरमजरी उतरने के लिए है 75 है, 75 कुछ जगह 65 है, उसके बाद वहाँ घाट में नॉर्मल कुतनी का अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्पीड है, पहले 65 है, उसके बाद में 55 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 75 है, ऐसा अलग अलग वो घाट सेक्शन के उनकी जो कर्वेचर के हिसाब से अलग अलग स्पीड दिया हुआ है। अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी तो बैठा हूँ जस्ट, अभी जब चलेंगी वहाँ पहुँचेंगे तब एक्सपीरियंस हमको तब मालूम पड़ेगा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, फर्स्ट टाइम बैठा हूँ मैं उज्जैन के लिए। डिफरेंस है थोड़ा बहुत, थोड़ा सुपर फास्ट है, कहीं रुकेंगी नहीं, जल्दी जर्नी खत्म हो जाती है, थकावट कम होती है इसमें, सीटिंग अच्छी है फिलहाल, स्लीपिंग नहीं है, स्लीपिंग नहीं है तो लॉन्ग जर्नी नहीं है ना, लॉन्ग जर्नी रहने से क्या स्लीपिंग होना, लेकिन लॉन्ग जर्नी नहीं है, अभी 10 बजे हम पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ स्लीपिंग की जरूरत नहीं है, सीटिंग भी चल जाती है, लेकिन बट सीटिंग वगैरह अच्छी है, वंदे भारत ट्रेन अच्छी बनाई हुई है। मैं खुशबू परानी, महाराष्ट्र TV24 नागपुर। बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे,
हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस, कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता, कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा, लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर, अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस, विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।